सुंदरी जी मैडम, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों? वो दामू को नहलाने जा रही हूँ, उसके नहलाने का समय हो गया ना, नहीं तो मैडम की डांट सुननी पड़ेगी। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है। अर्चना जरा पानी देना, बहुत प्यास लगी। क्या बात है, आप इस घर में इतनी ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाई मैं देख रहा था अंदर से, आपको प्यास लगी है। वहां जग में पानी नहीं था, लेकिन किचन में तो था। आप क्यों नहीं गए किचन में? सुंदरी आई, आपने सुंदरी से भी पानी नहीं मांगा। देखो भाई, जिस हक से मैं आपको लेके आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि उस हक से आप इस घर में रह रही हैं। भाई मैं आपका बेटा हूँ, ये घर आपके बेटे का है, आपका है, तब इतना पराया मत कीजिए हमें। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब नया घर है, नई जगह है, रिश्ते जुड़ने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि मैं धीरे धीरे यहाँ घुल मिल जाऊंगी। आपको जितना वक्त लेना है लीजिए, लेकिन इस घर को हमें अपना मानिए। अर्चना, आई का सारा सामान मेरी आई के कमरे में रख दो, आज से ये दोनों साथ में रहेंगे। क्या करूं, कैसे कहूं ऐसे कि अब उन्हें मेरी आई के साथ रूम शेयर करना। ये अर्चना क्यों खड़ी है मेरे रूम के बाहर पहरेदार जैसी? ए, तू बाहर क्यों खड़ी है? आई वो मैं अंदर। क्या है? मैं पूछने आई थी कि आपके कमरे में थोड़ी सी जगह खाली है क्या मेरी आई के लिए? सुंदरी जी मैडम, ये कमरा किसका है? आपका। अगर मैं मालकिन हूँ तो इस कमरे में हक किसका चलेगा? आपका। शाबाश। एक मिनट रुक। मानव, ए मानव, मुझे एक बात बता। क्या? तूने कैसे फैसला किया कि मेरे रूम में मैं किसी को भी रखूं? तुझे कैसे लगता है कि मैं सुलोचना ताई को मेरे कमरे में शेयर करूं? आई इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई वो चुप। मैं मानव से बोल रही हूं ना, तू चुप। तूने कैसा फैसला किया? अरे तुम इतने बड़े हो गए, तुम दोनों मेरे बारे में फैसला कर सको? तू मुझे पूछे बिना कैसा फैसला कर सकता है? तू इन्हें जानता है? देखिए आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, मैं बस यही हॉल में सो जाऊंगी। क्यों भाई? मैं ये तेरी सास कम है, मेरी समधन ज्यादा है। तुम्हारा अपना घर होते हुए, अपना कमरा होते हुए हॉल में क्यों सोएगी? मतलब? अरे मतलब देखो, अर्चना और मानो, हम दोनों का समान हक है कि नहीं? वैसे ही इस घर में, इस कमरे में, इस घर के हर चीजों पर हमारा समान हक है। अभी मैं आपका सामान लेके आती हूँ, आप मेरे साथ शेयर करना। सविता दी,
थैंक यू, आज आपने मुझे बहुत सारी खुशियां दी है। आज मेरे पास एक नहीं दो दो आई है। बस बस इमोशनल ड्रामा बस, अभी देरी हो चुकी है, जल्दी सो जाओ, सवेरे उठ के तुरंत काम की तैयारी करनी है, कल सब आने वाले हैं ना डिनर के लिए। डिनर के लिए चलो 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 ताई। तो इतना गिरा हुआ है ये तो मुझे अच्छे से पता था। तो तेरी बीवी और तेरे बच्चों के बारे में सोच के तुझको छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार ऐसा कुछ करने की सोची भी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। गलती धर्मेश ने की है तो सजा इसके परिवार को क्यों मिले। मैं चाहता हूँ कि ये रोज ऑफिस आए और इसे अपनी शर्मिंदगी का एहसास हो। मोना मोना की मेरा एक और प्लान फेल हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया हूँ। आज किस्मत तुम्हारे साथ है, लेकिन हर बार वो तुम्हारा साथ नहीं देगी। मैं जल्द से जल्द कोई ऐसा सरिया ढूंढ निकालूंगा जिससे तुम पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों लेवल पर बर्बाद हो जाओगे। मानव एक तुम ही हो जो हर बार मेरे और मेरी कामयाबी के बीच में आकर खड़े हो जाते हो, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें हर हाल में अपने रास्ते से हटा कर रहूंगा, लेकिन कैसे? कैसे? ऐसी कौन सी बात है जो मानव को ऑफिस के साथ साथ घर से भी बाहर निकाल फेंकेगी? फिलहाल तो मुझे कुछ सोच नहीं रहा है। और तुम दुआ करो मानव कि मुझे कभी ऐसा कोई रास्ता दिखाई ही ना दे, क्योंकि अगर तुम्हारी बर्बादी की कड़ी मेरे हाथ लग गई मानव, समझ लेना तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा सुख चैन सब खत्म। आओ आओ सुलचना ताई आओ। ये है हमारा रसोई घर, आज से आप इसका कब्जा लेना। अरे ऐसा क्या देख रही है? हाँ हाँ समझ गई समझ गई, आपकी और इसकी जान पहचान नहीं है ना, करवा देती हूँ मैं। देखो सुनो 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 मेरे रसोई घर, प्यारे रसोई घर सुनो, ये है सुलोचना ताई, और सुलोचना ताई ये है मेरा रसोई घर। इस रसोई घर ने आज तक मुझे बहुत प्यार से साथ दिया, इस घर ने आज तक हमें कभी भूखा नहीं रखा, अच्छे बुरे दिन आते गए लेकिन इसने हमें कभी आँच आने नहीं दी। और देखो रसोई घर, सुलोचना ताई को मौका नहीं देना शिकायत करने का, मुझे मालूम है वो आप आने नहीं देंगे वो नौबत, मैं जानती हूँ। हो गई अभी जान पहचान, अब कोई परेशानी नहीं है। गुड मॉर्निंग मैडम। ए मैडम इतने आज से सिर्फ मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलने का, सुलोचना ताई को भी बोलने का, समझे? गुड मॉर्निंग मैडम टू। और सुन अभी तू मेरा अकेली का फोन संभालती है, रिसीव करती है, तो आज से दो दो फोन संभालना, एक सविता दामोदर देशमुख और दूसरा सुलोचना मनोहर करंजकर का। अगो भाई, नहीं नहीं सविता दी, इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, क्या है ताई इस घर में हम दोनों को सरीखा सम्मान मिलना चाहिए है? और सुन सुंदरी ध्यान दे, आज ये खाना बनाने वाली है तो सामान बोलेगी ना उसकी लिस्ट बना ले, हम दोनों मार्केट जाएंगे और सामान खरीद के लाएंगे, समझे? ठीक है मैं भी लाती हूँ।
रुको वैशु, तुम नहीं जाओगी वहां पर। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो मानव का घर है। ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे लिए नहीं। मेरी आई वहां रहती है, मैं वहां उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। वैशु ये मत भूलो कि तुम मेरी पत्नी, और जिस इंसान ने पूरे ऑफिस के सामने मेरी इंसल्ट की हो, मेरी पत्नी का उसके घर जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, मानव जी ने आपकी इंसल्ट की या आपने उनकी इंसल्ट की? ये मत भूलिए धर्मेश, आज आपके साथ जो भी कुछ हुआ है ना, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। और शुक्र में रहे मानव जी का कि उन्होंने आपको पुलिस के हवाले नहीं किया और ना ही आपसे आपकी नौकरी छीन ली, नहीं तो आज आप रास्ते पर आ चुके होते। मेरे सामने तुम उसकी तारीफ करना बंद करो, समझी तुम? क्यों, सच्चाई सुनकर तकलीफ होती है आपको? ठीक है, अगर मानव जी के नाम से आपको इतनी ही चिढ़ है तो आज के बाद इस बारे में बहस करना बंद कर दीजिए। मैं शाम को बच्चों को लेकर आई से मिलने जा रही हूँ, एंड दैट्स फाइनल। आपको जो करना है आप कीजिए। अरे आई, ये सब क्या है? वो थोड़ी सी मिठाइयां है और ड्राई फ्रूट्स। मिठाई और ड्राई फ्रूट्स, लेकिन ये सब किस लिए? अरे वो तेरे आई ने खाना खाने पर बुलाया ना, उन्हीं के लिए। अब इतने प्यार से बुलाया है उन्होंने, तो खाली हाथ थोड़े ना जा सकते हैं। और वैसे हम इतने अमीर तो नहीं रहे कि बड़े बड़े तोहफे लेकर जाएंगे, फिर भी। लेकिन आई, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप तो अच्छे तरीके से जानती है ना कि मेरी आई किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं करती और ना ही कभी करेंगी, तो ये सब तो फिर। बंधु, कुछ समझ नहीं पा रही है तू। अच्छा तू जा, कपड़े सुखाने के लिए डाल दे। जी आई। अजीत, अरे ये क्या बेवकूफी है? हाँ, तो आज भी शराब पी रहा है? आज तुझे ससुराल जाना है, वहां भी नशे के हाल में धुत होकर जाएगा क्या? तो क्या हुआ ये? क्या हुआ? मैं उस घर का दामाद हूँ, दामाद। जैसा चाहूँ जाऊँ? देख अजीत, बेवकूफ जैसी बातें मत कर, शराब पीना बंद कर दे और मेरी बात ध्यान से सुन ले। आज वहां ससुराल जाने के बाद वंदिता के साथ तुझे प्यार से पेश आना है, समझा? देख, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, इस घर का किराया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें दूसरे घर की जरूरत है, और वो सिर्फ वंदिता ही है जो दूसरा घर दिलवा सकती है हमें। अरे इतने दिनों के बाद इतना अच्छा मौका आया है हाथ में, अब उसे हाथ से गवाने की बेवकूफी थोड़ी ना करेंगे हम। लेकिन आई, मुझे नहीं लगता कि वंदिता कुछ कर पाएगी। अरे उसे कहाँ कुछ करना है, जो कुछ करना है हमें ही तो करना है, उसे ढाल बनाकर। सुन तो, बंधु उस घर की कमजोरी है, तो उसके जरिए हम अपनी मांगे पूरी कर सकते हैं। अरे यहाँ तक कि अगर ये गंदी चौल छोड़कर हम आलीशान महल में रहना चाहते ना, तो वो भी हो सकता है, समझा तू? चल 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 चल, जल्दी से तैयार हो जा, खाना खाने जाना है हमें, चल। अच्छा आई, वो मैं क्या सोच रही थी ना कि आपने जो पिछले महीने मुझे साड़ी खरीद कर दी थी, तो आज मैं वही पहन लूँ क्या? नहीं नहीं बंधु, वो नई साड़ी पहनने की क्या जरूरत है, वहां तो सारे घर वाले ही है, उनके सामने क्या दिखावा। नई साड़ी है ना, वो तो किसी त्योहार के लिए रखते, ठीक है? अभी तो अपनी नॉर्मल सिंपल सी साड़ी पहन ले, ठीक है? ठीक है आई। ए, प्याज लेके आ, ये देख इधर है, ये प्याज काट, लेकिन कैसे, आंखों में से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, तो मैं तुझे इनाम दूंगी। सच्ची में?
मेरा इनाम। इनाम? अरे तू क्या सुनती है पागल, मैंने क्या कहा था? मैंने बोला था तू टुकड़े कर वो गिन के मुझे बोल, मतलब बिना गिने पहले बोल बाद में गिन के बोल, अगर वो दोनों सेम आए तो मैं तुझे इनाम दूंगी, है ना? गिन गिन। क्या बात? आजी आजी। अरे तुम दोनों यहाँ? मानव आई, वो सचिन को स्कूल लेने गया था तो ये दोनों वहाँ मिल गए। इनको पता चला कि आप यहाँ हैं तो मिलने की जिद करने लगे, तो मैं लेके आई। लेकिन इसका मतलब विनोद को पता नहीं होगा, जब वो इन्हें लेने के लिए स्कूल जाएगा तो परेशान हो जाएगा, और फिर मंजूषा का स्वभाव तुम जानते हो, खामा खाकर झगड़ा मोल लेगी वो। सही कह रही हैं, लोग बस जिद कर रहे थे इसलिए मैं ले आया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए मैम, वो लोग सभी बात कर रहे थे। मानव का फोन, ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो, हाँ मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि इस वक्त रुचि और पुनी मेरे घर पे। लेकिन वो दोनों तुम्हारे पास कैसे? उनको आई से मिलना था इसलिए मैं उनको घर पे ले। लेकिन चिंता मत करो, कुछ ही देर में उन्हें घर पे छोड़ दूंगा तुम्हारे। अच्छा मानव, वो मेरी आई कैसी है? तुम्हारी आई नहीं बिना, वो मेरी आई।